बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल सरगोधा, और मैं हूँ आपकी दोस्त मीना तारिक। कैसे हैं मेरे सब दोस्त, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब बहन भाई? मेरी हर वक्त दुआ की है अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादें हमेशा पूरी करता रहे और हमेशा मुस्कराते रहें। तो चलें जी, बहुत ही मज़े की वीडियो है और मेहमानों के लिए बनाएं या बच्चों के लंच में बनाएं या अपने लिए बनाएं, बहुत ही मज़े की चिकन ब्रेड रोल बनाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैंने दिखाऊंगी आपको ये डो है, पिज़्ज़ा डो, जिसकी बहुत बार ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसकी सेपरेट वीडियो सतरंगी फूड चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने लिया है, ये देखें बंद गोभी है, और ये देखिए बहुत लंबा लंबा मैंने गाजर को काट लिया है, ये देखिए इसके साथ काटा है, जो कि मुझे बिल्कुल लोकल मार्केट से 100 रुपीज़ का मिला था। ये बहुत कुछ करता है, यहाँ से मैंने इसको गाजर को सीधा रख के काटा है। ये देखिए ये जो गाजर है इसको मैंने यहाँ रख के इस तरह काटा है, तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे निकले हैं। और इसके साथ है चीज़, और ये है 100 ग्राम, 100 से ज़्यादा ही है चिकन है, छोटा छोटा काट लिया गया है धोकर। सब्ज़ मिर्च है, शिमला मिर्च है, चौक प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और जी स्पाइसेस में है लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया, और मैं नमक रखना भूल गई हूँ, मैं अभी रख लेती हूँ। तो चलें सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लहसुन अदरक के पेस्ट से। ये बहुत बारीक होता है, मैंने बारीक फाइन पेस्ट किया होता है इसको। ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया है साथ ही, और बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम उड़ने लगता है, ये ऑयल में जब जाता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इसको थोड़ा हम भूनेंगे इसी तरह। देखिए साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जो कि मोटी मोटी रफली काटी हुई थी, और इनको इसी तरह थोड़ी देर पकाएंगे। ये पिंक से वाइट तो हो गया लेकिन अभी पूरी तरह टेंडर नहीं हुआ, इसको हमें पकाना है अभी इसी तरह। देखिए मॉइस्चर निकलना शुरू हो गया इसका। देखिए पानी कितना निकल आया है इसका, और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच भर के सिरका। और साथ में डाल दूँगी इसके अंदर ये चॉप्ड प्याज। क्या खुशबू आने लग गई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। ये वाली मेरी मिर्चियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मैं इनको बहुत थोड़ा यूज़ करूँगी टेस्ट के लिए। और ये है काली मिर्च, अगर हमें लगेगा कि थोड़ी कम है तो हम एंड पर इसको चख लेंगे। ये है ज़ीरा पाउडर, और ये है धनिया पाउडर, और ये है नमक। ये देखें इसको हमें अभी पकाना है, थोड़ा सा मैं पानी भी डाल दूँगी इसके अंदर ताकि ये पक जाए। चिकन पक रहा है और मैंने इसके अंदर देखें पानी डाल दिया है, उतना पानी डालूँगी तकरीबन 1 कप के ये अच्छी तरह गल जाए। इसको मैं तकरीबन मीडियम आंच पे रखूँगी पकने के लिए। देखिए जी ढक्कन मैंने हटा दिया है और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया, और बिल्कुल रेडी है हमारी स्टफिंग। ये वाली स्टफिंग आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, यही वाली स्टफिंग इसी तरीके से। ये देखें शिमला मिर्च, चलिए जी थोड़ी सी मैं गाजर भी डाल दूँगी इसके अंदर, और ये है बंद गोभी। इसके साथ कोई भी वेजिटेबल आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है। देखें 1 चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस डाल दिया,
सिरका मैंने पहले डाल दिया था इसके अंदर, और थोड़ी सी इसको मैं डालूंगी लिक्विड के लिए मेयोनीज, तकरीबन 2 चम्मच के करीब ही डालूंगी मैं। बस फ्लेम मैंने बंद कर दिया और मैं इसको इसी तरह से मिक्स करूंगी ताकि ये हमारी स्टफिंग जो है जहां हम रखें वहीं पर ये टिकी रहे। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह मेरे पास थोड़ी सी चेडर चीज़ है, ये मैं छोटे छोटे पीसीज में इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। अगर हम थोड़ी सी भी चीज़ यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए अभी पैन गर्म ही है इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छा सा मिक्सअप होगा। और अब ये है एंड पर मेरे पास ओरिगैनो, ये थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल कर दिया है। देखिए फिर से लाइट चली गई है, लाइट ने बहुत ही आजकल तंग किया हुआ है सबको। ये देखें, ये देख रहे हैं आप ये चीज़ से जो इसके तार बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। चलिए इसको मैं ठंडा करती हूँ और रोटियों की तरफ चलते हैं। ये देखें डो मैंने ले ली है, इसकी भी मैं 2 चीज़ें बनाऊंगी इसी स्टफिंग से, इसी डो से। और ये मैंने पेड़ा बनाया है एक, इसी तरह मैं 2 और बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से पेड़े बना दूंगी क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला सांचा नहीं है कि मैं इसको नाप सकूं, क्योंकि मैंने लंबे लंबे ब्रेड रोल बनाने हैं। बिल्कुल बराबर के 3 पेड़े होंगे हमारे पास। ये देखिए ये मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है ये वाला, इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड करेंगे। चलें इनको साइड पर करते हुए मैं इसकी रोटी बेल दूंगी। देखिए इसको मैंने लंबा सा बेला है और ये देखें ये आ गया है हमारे पास। अब मैं स्टफिंग लूँगी, ये देखें स्टफिंग को मैंने सेंटर में ही रखना, उतनी डालिए कि ये बाहर ना निकल सके। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये रोल बहुत ही मज़े के बनते हैं, ये आप बच्चों के लिए लंच के लिए बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ताकत से भरपूर होते हैं, मतलब कि बच्चे फुल होके खा लेते हैं, उनको बिल्कुल भी कमज़ोरी भी नहीं होती क्योंकि इसमें चिकन भी होता है, सब्ज़ियाँ भी होती हैं। तो चलिए मैं इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए मैंने दोनों सिरों को मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, और ये देखें इस तरह फोल्ड कर दूंगी। और जी यहाँ थोड़ा सा अंडा लगा के सिरे पे, तो फिर मैं इसको इस तरह फोल्ड कर दूंगी। ये बहुत ही प्यारे हमारे रोल बनते हैं, चिकन ब्रेड रोल। ये देखें ये हो गया, और अब मैं इसके ऊपर अंडा लगाऊंगी। गैस का थोड़ा इशू चलता है लेकिन मैं इनको पतीले के अंदर भी बहुत अच्छा बेक कर लेती हूँ। तो चलें ये रेडी हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करूँगी। ये देखें गाजर, फिर से गाजर, और जी ये देखें
जो थोड़े बड़े हैं मैंने इनको उतार दिया है। और जी ये है मेरे पास तिल, ये देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के होते हैं। और ये है मेरे पास थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च, इसके छोटे छोटे जो पीस मैंने चॉप्ड किए थे वो ही मैं लेके इसके ऊपर लगा रही हूँ। ये देखें, क्योंकि इसी से ये बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं और टेस्टफुल बनते हैं बहुत ही। और जी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ जो है वो लगाऊंगी, छोटे छोटे स्लाइसेस में ही छोटे छोटे पीस डालूंगी इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालूंगी क्योंकि जब हम इनको बेक करते हैं तो सारी चीज़ मेल्ट होके नीचे गिरने लगती है। ये देखें जी, ये हमारा चिकन ब्रेड रोल बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको उठा के बेकिंग ट्रे पर रख दूँगी। ये देखें, इसको मैंने बेकिंग ट्रे में रख दिया है और इसी तरह मैं दूसरे जो दो हैं उनको भी रेडी मैंने सबको स्टफ्ड कर दिया है और पिज़्ज़ा पैन में लगा दिया है ट्रे में। अब मैं इसको, ये देखें जी, टाइम पूरा हो गया था और ये ठंडे हो चुके हैं। जब भी इनका टाइम पूरा हुआ तो मैंने इनको अंदर ही रहने दिया था। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं और ये है इनकी फाइनल लुक। ये देखें नीचे से भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह जब हम बेकरीज पर जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे इस तरह के ब्रेड रोल मिलते हैं, चिकन ब्रेड रोल, और बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं और उन्होंने कुछ इस तरह से किया होता है। ये देखें, ये है मेरे पास प्लास्टिक रैप्स और ये देखें इस तरह उन्होंने बिल्कुल इनको किया होता है। मैं इसको काट के लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने प्लास्टिक रैप्स ले लिया है और ये देखें इस तरह से कुछ उन्होंने करके इनको बिल्कुल इस तरह पैक किया होता है। जब हम सफ़र के लिए जा रहे होते हैं तो जहाँ कहीं भी स्टे आता है तो इस तरह से ये चीज़ें पड़ी होती हैं तो बहुत ही कॉस्टली सेल हो रही होती हैं। देखें ये इसी तरह होती हैं, इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए और लंच में बनाइए, चाय के साथ बनाइए, VIP गेस्ट आएँ तो उनके लिए बनाइए और स्पेशली अपने लिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख रहे हैं जो आप, ये वही डो है और वही वाली स्टफिंग है मेरे पास। इसके साथ हम कुछ और बनाएंगे। इसकी मैं रोटी बेल रही हूँ पतली सी। ये देखिए, फिर है मेरे पास ये गिलास और पतीला मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। इसको मैं बनाऊंगी पतीले में क्योंकि अभी हमें गैस अवेलेबल थी। तो साथ मैंने इनको सबको कट कर लिया है और अब मैं इनके अंदर स्टफिंग डालूंगी। बहुत ही मज़े के ये चिकन ब्रेड कबाब बनते हैं और इसी तरह मैं इसमें डालूंगी। एक कबाब मेरा रहता है, उसको मैं कर लूँगी। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देना है ऊपर वाले पोर्शन पे। और देखिए इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया है इसके ऊपर वाले पोर्शन पे और इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी और फिंगर्स के साथ इसको बहुत ही अच्छा दबा दूँगी। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है और ये है मेरे पास एग। ये देखिए इसके जो किनारे हैं मैंने उनको इतना इतना बिल्कुल अंडे के अंदर डिबोना है मुझे। ये देखें ये हो गया और साथ में रखे हैं मेरे पास तिल। ये देखें इसके जो सिरे हैं मैंने उनको, चलें देखें, फिर से मैंने एक पानी लगाया और इसके ऊपर रखा और ये देखें फिंगर्स के साथ इसको इसी तरह किनारों को बहुत अच्छा इस तरह इस पोर्शन को अंडे में डिबोना है, साइड्स को बाद में हम ऊपर हम बाद में लगाएंगे।
ये अंडा लग गया हमारा, और इसको तिलों में करना है। देखिए ये देखें तिल लगा दिए हैं मैंने, और मैं फिर से सेंटर में एग वॉश करूँगी। और इसके ऊपर मेरे पास ये जो जुलियन में पतली पतली गाजर कटी हुई थी, इस तरह मैं इसको रख दूँगी छोटे छोटे पीसेस में। और साथ में मेरे पास जो शिमला मिर्च चॉप्ड थी वो भी रखूँगी। और जी इसके साथ मैं थोड़ा सा चीज़ का पीस रख दूँगी। और ये देखिए थोड़े से ऊपर तिल स्प्रिंकल करने हैं तो वो कर दूँगी। ये देखिए इनको मैं उठा के, ये देखिए मैं इस पिज़्ज़ा पैन में रख दूँगी, काफ़ी साथ जुड़ गया है। इसी तरह मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और अब मैं इनको बेक करूँगी पतीले में। पतीले के अंदर रख दिया है और इसको मैं टाइम दूँगी। फ्लेम को मैंने अभी भी बंद किया है। ये देखें ये पतीली का रिज़ल्ट, क्योंकि आज गैस अवेलेबल थी तो मैंने इसमें बना लिया। बहुत कोशिश करती हूँ क्योंकि इसके लिए हमें, ये देखें नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें ये है कि इसमें ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आता, बाकी ज़बरदस्त हो जाता है। ये तैयार हैं हमारे चिकन ब्रेड कबाब, चिकन कबाब। और जी ये देखें एक ही डोसे हमने बनाए हैं, दो किस्म की चीज़ें और दोनों की लुक ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये देख सकते हैं आप, अभी तो बहुत गर्म है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे कुक हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।